हेलो, राम राम दोस्तों। और सब कैसे? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। अभी देखिए, इधर हमारा विवेक पढ़ रहा है, सुबह सुबह हल्की हल्की चाय की चुस्की ले रहा है, और इधर हमारी सोनी जी अभी चूल्हे में राम आंच बना राम रही है। बताएं उन सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, ये मई उड़द की दाल है। उड़द की दाल और चने की दाल। चने की दाल, आज की रेसिपी मस्त होने वाली है। बहुत दिन बाद बन रही है आज उड़द और चने की दाल। अच्छे से भी लिए सोनी जाए। ये देखो चने की दाल कितनी बढ़िया चने की दाल है, और ये उड़द की दाल, काला उड़द। पहले साफ करेंगे इनको बढ़िया से। ये धींगा लकड़िया, ये वाली तो बिल्कुल साफ हो गई है। कुकर में रख दिया है सोनी ने पानी। सोनी तो अभी दाल को बीन रही है, और हम आपको विवेक की वो दिखाते हैं। राइटिंग बोल रहा है, पापा जी मेरी राइटिंग दिखा दो सभी को। ये देखिए विवेक की राइटिंग, और ये हिंदी में राइटिंग कैसी है, इंग्लिश में तो अच्छी है इसकी, और हिंदी में कैसी है इस कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। साबुन दे दो। इतना पॉलिश को पानी है गंदा, तीन चार बार धो ले जाए जब हो गई एकदम साफ। तीन बार में थ्रू अभी कारण निकल रहा, तीन बार धो गई। अभी दाल को डाल देंगे कुकर के अंदर। हाँ, अभी आँच भी देखो कितनी मस्त जल रही है। कुकर में बनाओ या तपेली में, इसको एकदम पैक नहीं करना है। जैसे कुकर में बनाएंगे तो पैक कर देते ना, तो उससे झाग जो निकलते केमिकल वाले वो उसी में मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं। अभी इसको ऐसे ही ढक के रखेंगे कि अंदर से जो झाग निकलेंगे दाल के, उसको निकालने के बाद में ही ढक्कन लगाएंगे। योगेश भी पढ़ने बैठ रहा है अब। सोनी जाग अंदर से झाग से निकालता है, और कैसे गंदा सा है वो कुकर है। लहसुन छिल रहे तो है, छिल गया। कितना लिया लहसुन? एक गांठ पूरी लहसुन लिया दोस्तों। और ये मिर्चा देखो कितना सारा मिर्चा डलेगा इसके अंदर। नहीं समझ डरेंगे जहाँ। और हमारे योगेश भी ना लिया, स्नान कर लिया, और आज धूप भी काफी मस्त खिल रही है। गर्मी सी आ गई अब तो दोस्तों, ठंडी का तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी लहसुन को एकदम बारीक बारीक बढ़िया कटिंग करेंगे। दोस्तों आज की जो दाल बनने वाली है ना, बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही ज्यादा स्वाद है। इसमें हाथ की रोटी मिल जाए ना, क्या ही कहने। वो तुम देख रही है, विवेक का भी स्नान होने लगा। ठंडे पानी थे जरूर, ठंडे पानी गर्म पानी करे दादा, है हाथ लगाए का देख लो, जरूर देख लो गर्म हो। अभी लहसुन हमारा पूरा कट गया दोस्तों, और अभी काट रही सोनी हरी मिर्ची बीच में से फाड़ के, बहुत मस्त मस्त ऐसे। लहसुन और हींग और काली मिर्च, इन्हीं का तड़का लगता है बहुत जबरदस्त है। का फूल ले गुब्बारे से। अभी दाल उबल गई बढ़िया तरह से। अभी हमारी दाल भी उबल चुकी है, अभी इसको खोल के देखते हैं क्या हाल है। अभी हमारी दाल के देखो कितनी काली काली दाल है ये, हैं? लेकिन इस काली दाल का ना स्वाद, आहा क्या स्वाद है इस दाल का। अभी बनने दो। हाँ, अभी तेल डालेंगे छोटी सी कढ़ाई के अंदर, तड़का की तैयारी। ये देखो ये है बढ़िया वाली हींग, जो कि इसकी खुशबू बहुत भयंकर है। इतनी सी हींग डालें, इतनी सी इसको बट लेंगे। ये देखो पूरी हींग बारीक कर दी सोनी ने, काली मिर्च से ही दाल में और ज्यादा स्वाद आता है। दो लौंग, अभी इनको बारीक कर देंगे। कैसे चना से चबे रहे कुड़र कुड़र।
अभी देखिए तेल गरम हो गया सोनी, जल्दी आओ। हो गया गरम, अब लहसुन डालूंगी मैं। हाँ, ये लगेगा तड़का लहसुन का। वाव हींग सही थे डार। अभी डालेंगे हरी मिर्ची, लाल मिर्ची है नाम तो, लाल मिर्ची दिख रही है सोनी कितने है वो अभी। हाँ, जब ये वाला तड़का लगेगा दाल में, आहा कितनी स्वादिष्ट दाल बनेगी आज की। अभी अच्छे से भून लेंगे। और सोनी क्या हाल है? बढ़िया है। खुशबू ले रहे हैं, इनकी खुशबू ही है। धनिया पाउडर, अच्छा धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर आधे चम्मच, रुके पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। मेरे पेट में कैसा बादल तो कच्चे रहा है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अभी अच्छे से मिला के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे लो फ्लेम गैस पे, हैं हल्की हल्की गैस पे, हल्की हल्की आंच पे। और हो गया अब तैयार? हाँ हो गया तैयार, तो लेके चलो आराम से। अब लगेगा दोस्तों तड़का। ये लग गया, बन गई गजब की दाल। किसी खुशबू मार रही है इसमें से, बहुत लाजवाब। हाँ, इस सबको पहुँच के इसके अंदर डाल देंगे। और अभी डालेंगे इसमें काली मिर्च, जो अभी सोनी ने पीसी दो लौंग और काली मिर्च। ये देखो कितना बढ़िया दाल बना है। अभी धनिया की कमी रह गई है, अभी सोनी धनिया कटिंग कर रही है। धनिया थोड़े पीले से हो गए सोनी है, अभी रह गए हैं कि जाना पड़ेगा मार्केट? अब खत्म, जाना पड़ेगा आज। अभी दाल हमारी बन गई, अभी डलेगा इसमें धनिया। धनिया डलेगा, खुशबू ले लूँ मैं। तो इतराफ आई ना रहे, क्यों नहीं आवेगी। अभी इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर। ये देखो कितनी लाजवाब दाल बनी है ना दोस्तों। अब इसके साथ में हो बाजरा की रोटी तो क्या कहने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं गेहूं की रोटी को इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगा आज। अभी पूरे चौका की साफ सफाई हो गई, साफ सफाई होने के बाद में बनाएंगे हम रोटी। अभी आटा लगा लेंगे। पहली रोटी गाय की, और उसके बाद में हम बनाएंगे अपने लिए। आज दाल बनी है ना, दाल से यही रोटी स्वाद देती है, तो पीछे पड़ गई ना। ये हाथ की बनाओगे आज तो हाथ की बनानी पड़ेगी, तो बनानी पड़ेगी। चकरा ले लूं, ये देखो हो गई तैयार। चकरा ले लूं, ऐसे डाल दें चकरा। एक हफ्ता होता नहीं है उससे पहले बोल देती है हाथ की रोटी बना दो। आज तो दाल बनाई तो उसका बहाना लग गया, हाथ की रोटी बनानी है। मैंने दाल से तो वैसे भी हाथ की रोटी अच्छी लगती है। हाँ, तो योगेश विवेक तो जिस दिन मैं रोटी बनाऊंगा बहुत खुश हो जाते हैं। अभी स्कूल गए हैं। दोस्तों अभी हमारी अम्मा आ गई, देखो अम्मा का आगमन हुआ। अम्मा राम राम कर लो, सभी को आशीर्वाद दे दो। राम राम है भैया, तुमने को सिरन्नी को आपके लिए राम राम, सिरन्नी को राम राम है, आशीर्वाद है भैया, खुशी बनी रहो, खुशी रहो भैया, सब खुशी रहो, मस्त रहो, खुशी रहो, खूब खाओ पियो, मस्त रहो, मस्त रहो। तो कौन तो जम्मा रोटी घाम में। और ये देखिए मेरे हाथ की रोटी खाइए आज,
मेरे हाथ की रोटी के लिए हमारा पूरा परिवार इंतजार करता है। आप बोलोगे अपनी मुंह से बड़ाई कर रहे हो। आप बताना कैसी रोटी लग रही है। हाँ बहु बेटी ने बाबा दिनाने ये लोई बन गई। अब इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसी बनानी फूली। ये देखो कितनी मस्त रोटी बनी है। इन रोटियों को खाओगे ना मस्त रहोगे मस्त। ये देख हल्के हल्के हाथ से बस घुमाते जाओ घुमाते जाओ। ये बनके हो गई तैयार। ये देख ये हो गई बनके तैयार। अभी इसको तवे पर डाल देते हैं। ये अभी चूल्हे में देखो, अभी देखो चूल्हे में कैसी रोटी ये फूलती है। गुब्बारे जैसे फूल गई, गुब्बारे जैसे बर्थडे का गुब्बारा फोड़ दिया। सुबह जब नहीं बनाता जल्दी तो अभी स्कूल में ही भेज देते हैं। हमारे पापा जी जा रहे हैं उधर, खाना देकर आएंगे योगेश विवेक को। खुश हो जाएंगे आज हाथ की रोटी देख के। आज तो गर्मी लग रही थी दोस्तों, और लेकिन अभी हमारा पूरी रोटी बन गई। देखो खा लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रोटी। देखो हाथ के अंगा है और चना उड़द की दाल। आज की रेसिपी का तो ये देखो, इसके इससे ही पता चल रहा होगा इसका मुँह कैसा हो रहा है, पानी आ रहा है मुँह में। वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, फिर लाइक कर दो इसके लिए तो कर दो कम से कम। दोस्तों अभी हमारी रोटी पूरी बन गई, अब हम खाएंगे खाना और आपको भी खिलाएंगे हाथ के अंगा रोटी। दोस्तों अभी हमको खाना मिल चुका है, और ये देखिए रोटी घी में चिपर के रख दी है सोनी ने। थोड़ा सा घी दाल में भी डाल दिया है, दो हरी मिर्ची। प्रभु का भोग लगा देते हैं। ये हो दोस्तों आप खाना खा लीजिए, आपको खिलाऊं पहले। ये देखो कितना बढ़िया अंगा बने है ना ये रोटी। कड़ी तो खाएं बहुत ही जान, नहीं हम उर्द चना की दाल से खाएंगे आज तो। ये लो ये देखो कितनी जबरदस्त है ना, आप खा लीजिए और मैं आपको खा के बताऊं। सुपर। थोड़ी सी इसकी और कसर है, ये और होनी चाहिए घोड़ साथ में। आहा अब आएंगे आनंद, असली आनंद आएंगे अब, बहुत ही लाजवाब। थोड़ा सा गुड़। गैस वीडियो को लाइक कर दो आप, क्योंकि आज की बहुत बढ़िया रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना घर पे हमारी तरह। और ये रोटी है ना, आप पे नहीं आए तो अपनी मम्मी पे बनवा लेना, वो बना देंगे। पानी लगा के बना देते हैं, वो बढ़िया बनती है, वो भी ऐसी लगती है। सोनी से पूछो कैसी लग रही है। मस्त बनी है, मेरे लिए नमक कम है। एक हफ्ता नहीं होता उससे पहले बनवा लेती है। मैं नमक ज्यादा खाती हूँ तो मैं कम लगाऊँ नमक। हरी मिर्ची के साथ थोड़ा सा गुड़। सुपर। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, ताकि हम अपना घर दिखाएंगे। हाँ अपना होम टूर वीडियो बनाएंगे आप सबकी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप सब भाइयों। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम, वसलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।